आज जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हर बंदे को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में गई कंप्यूटर कोर्स करने के लिए, लेकिन वहाँ पे फीसेस बहुत ज़्यादा थी। मैं गया एक फैक्ट्री के अंदर, उन्होंने मुझे बताया कि आपके पास ठीक है बैचलर की डिग्री है, लेकिन आपके पास कोई फ़नी तालीम नहीं है। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल एक खुद मुख्तार इदारा है, जिसे हुकूमत पंजाब ने PVTC एक्ट 1998 के तहत कायम किया। इट्स माय प्रिविलेज एंड ऑनर टू बी पार्ट ऑफ PVTC ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज डूइंग अ वंडरफुल एंड अ रिमार्केबल जॉब एवर सिंस इट वाज इंसीव्ड for the poorest of the poor of the society. हमारा मिशन मार्केट डिमांड के मुताबिक फनी और पेशा वराना तालीम मुहैया करना और प्राइवेट सेक्टर के तावन से नौजवानों को रोजगार की फराहमी को यकीनी बनाना है। मेरा नाम फराज अहमद है। मेरे कजन ने यहाँ से किया था इलेक्ट्रिकल, उसने फिर मुझे यहाँ पे रेफर किया, सोलर का सिलेक्ट किया था। अब स्टेज ये है, मैंने एक साल तो जॉब की थी, उसके बाद मैंने फिर अपना शॉप बना लिया। तकरीबन मैंने 4 से 5 लाख मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और माशाल्लाह मैं 2 से 3 लाख महीने का कमा लेती हूँ। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल पंजाब भर में कायम वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के जरिए एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देता रहा है। I must say that PVTC has the capacity and strength to increase the number of trainings per year, provided we are given adequate and desired financial resources. ये वो वाहिद इदारा है जिसके तरबियत याफ्ता मर्द और खवातीन के हसूल रोजगार की शरह 82% है। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल ने ट्रांसजेंडर्स की भी ट्रेनिंग करवाई है, जिसके अंदर हमने ट्रांसजेंडर्स को ट्रेन किया डिफरेंट लाइफ स्किल्स के लिए और उसके बाद उनको रिहैबिलिटेट किया। मेरा नाम शमा जान है। ख्वाजा सरा था, सड़कों पर नाचता गाता था, लोग मुझे देख के मुआशरे में तालियां बजाते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और फिर मैं वहाँ से काम सीखा। अब काम सीखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी ये 4 जो की मशीन है, एक मेरे पास ओवरलॉक है, एक काज वाली मशीन है, माशाल्लाह 2 मैंने कारगर रखे हुए हैं, और एक मेरे पास शागिर्द जो काम सीख रहा है वो ट्रांसजेंडर है। इसी तरह पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल अपनी तर्ज का वो पहला इदारा है जिसने मजहबी अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले नौजवान मर्द और खवातीन के लिए न सिर्फ फनी और पेशा वराना तालीम के प्रोजेक्ट्स तरतीब दिए हैं, बल्कि इन्हें बतरीके एहसन पाया तकमील तक भी पहुँचाया है। इन मंसूबों के तहत पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल अब तक पाकिस्तान की मारूफ सनतों के तआवुन से 1000 अकलियती नौजवान मर्द और खवातीन को तरबियत फराहम कर चुका है। मेरा नाम दिलावर सिंह है। दोस्त से मशवरा किया तो उसने कहा कि इस तरह की ये वोकेशनल ट्रेनिंग कॉलेज है, साल का कोर्स है। डिप्लोमे के बाद उधर क्लर्क की सीटें आई थी गवर्नमेंट जॉब, उसके बाद फिर अब उधर जॉब करता हूँ मैं। हर कम्युनिटी के लिए ये ज़रूरी है। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल ने डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर माइनॉरिटीज़ के लिए भी प्रोजेक्ट्स शुरू किए और उनको ट्रेनिंग्स दिलवाएं, उसके बाद इंश्योर किया कि नाउ दे आर इकोनॉमिकली स्टेबल। अलावा अजी हम अकलियती तलबा को बाबा गुरु नानक स्कॉलरशिप भी फराहम करते हैं। मेरा नाम अमृतपाल कौर है और मैं सिख कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि प्राइवेट जाके आगे नहीं पढ़ सकते। लास्ट ईयर ही हमें ये मौका मिला है कि हम यहाँ पे आके कंप्यूटर कोर्सेज और ये अलग-अलग कोर्सेज हैं वो कर सकें। अभी रिसेंटली मैं जॉब कर रही हूँ प्राइवेट क्लिनिक पे एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। जो सबसे अहम चीज़ थी वो थी कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट की अप्रोच, जो कि इस वक्त
दुनिया के 150 ममालिक से ज़्यादा में प्रैक्टिस की जा रही है। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल हमेशा से अपने दाखिलों में खवातीन को दाखिलों के दौरान वाजिया नुमाइंदगी देता रहा है। मेरा नाम नादरा है और सर हम बेसिकली बहावलपुर के हैं। मैंने एम्ब्रॉयडरी में एडमिशन लिया। इस कोर्स को करें, 6 मंथ का एक कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है, इससे वो आगे अपने काम को चला सकते हैं। पीवीटीसी में अगर आप बात करें कि मेल और फीमेल रेशियो की ट्रेनीज के हवाले से, तो हम ख्वातीन पे बहुत ज़्यादा काम इस तरह से करते हैं कि हमारे पास 51% जो है वो फीमेल इनरोलमेंट है। वी प्रोवाइड द मोर अपॉर्चुनिटीज एज कम्पेयर टू द मेल ट्रेनीज। पीवीटीसी पंजाब भर में फनी और पेशा वराना तालीम के शोबे में वो वाहिद इदारा है जो अपनी जेंडर पॉलिसी न सिर्फ मुरतब कर चुका है बल्कि इस पर अमल दरामद भी जारी है, जिसकी बदौलत पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के इदारों और दफातर में खवातीन ट्रेनर्स और मुलाजमीन को न सिर्फ यकसा मौके फराहम किए जाते हैं बल्कि वर्क प्लेस सेफ्टी को भी यकीनी बनाया जाता है। मेरा नाम मिसेज राजता कामरान है, मेरी जिठानी काम करती थी, उनसे पता चला कि ये ट्रेनिंग जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए स्पेशल ये ट्रेनिंग हो रही है। हमने क्लिनिकल असिस्टेंट का ये कोर्स किया, इस ट्रेनिंग के वसीला से ये जॉब मिल गई है और अब मैं EPI में काम करती हूँ। PVTC ने हमेशा अपने VTIs और दफातर में दाखिलों, इंतजामी और तदरीसी मामलात और भर्तियों में खवातीन की शमूलियत बढ़ाने पर खास तवज्जो दी है। मैं यहाँ पे आई, मुझे जो है एंची स्टेप के साथ कटिंग का बताया, फिर मैंने जो है वो उसको कटिंग किया, उसके बाद फिर मैंने सिलाई किया, फिर मैंने मशीन को सही करना सीखा, मैंने मशीन को धागा लगाना सारा काम ये सीखा। अब मैंने 4 सूटों का छोटे बच्चों के सिलाई की है और 5,000 रुपया कमाया। आप ये देखें कि कोई भी मुल्क दुनिया का सारे लोगों को नौकरियां इंश्योर नहीं कर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। हम बच्चों को नो अबाउट बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप पे ट्रेनिंग दिलवाते हैं ताकि वो अपने स्मॉल बिजनेसेस शुरू कर सकें। यही वजह है कि हमारी तरबियत याफ्ता खवातीन की सक्सेस स्टोरीज को आलमी सतह पर पजीराई मिली। मेरा नाम उज़्मा है, मैं इस फील्ड में आई हूँ एज अ ब्यूटिशियन। ये मुझे यहाँ पे भेजा कि आप कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लें, वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, वहाँ पे मुझे अवार्ड्स भी मिले एज अ फर्स्ट पोजीशन पे। आप बाहर निकलें, अपने आप को प्रूव करें और साबित करें कि आप भी कर सकती हैं। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के VTI का इंतजाम और इंसराम खुद मुख्तार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के जरिए संभाला जाता है जो मकामी सनतों, ज़राअत, सेहत, सर्विसेज के शोबों से मजबूत रवाबित रखते हैं। 2-3 कोर्सेज से स्टार्ट किया था, अब हम 22 कोर्सेज हैं और मोर देन 900 लैब्स हमारी हैं जिनके अंदर हम इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हम प्लान करते हैं कि इसको इंशाल्लाह हम 100% CBT के ऊपर रोल आउट कर जाएंगे अपने ट्रेनिंग ट्रेडिशनल कोर्सेज को। और इन्हीं की बदौलत यहाँ से तरबियत याफ्ता तलबा को मुलाजमत और ऑन जॉब ट्रेनिंग के मौके की फराहमी को यकीनी बनाया जाता है। सर मेरा नाम अली रजा सद्दीक है, मुझे एनिमल्स का बहुत शौक था, तो उन्होंने मुझे कहा कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फ्री एजुकेशन देता है, आपको 12 मंथ ट्रेनिंग की है, इंशाल्लाह ताला अपना एक फार्म बनाऊंगा, डेयरी फार्म और मीट फार्म। जी मेरा नाम रईस महबूब है, तो मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया जिसमें हमने 6 माह यहाँ पे ट्रेनिंग करनी थी VTI काउंसिल में और 6 माह हमारी ऑन जॉब ट्रेनिंग थी। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने हमें 2 लाख का दिए, हमें फ़ंड दिया है और यहाँ के स्टाफ की गाइडेंस की मदद से हमने अपनी वर्कशॉप बनाई है वेल्डिंग की, हम आज खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एक बच्चा जब इनरोल होता है तो वो ज़कात पे आता है
और वो ज़कात का मुस्तहिक है तो वो ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन जब वो बच्चा ट्रेनिंग लेके चला जाता है तो उसके बाद वो ज़कात देने के काबिल हो जाता है। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल बिलखसूस नौजवानों को जो गैर रस्मी सतह पर मुख्तलिफ दुकानों या वर्कशॉप्स पर काम करते हैं न सिर्फ तलाश करता है बल्कि इन्हें VTIs में मुफ्त दाखिला भी फराहम किया जाता है ताकि नौजवान हुनर से आरास्ता होकर अपने खुशहाल मुस्तकबिल को यकीनी बना सके। वो बच्चे जिन्होंने इनफॉर्मल सेक्टर से ट्रेनिंग ली है, हमारे जो 56 इंस्टीट्यूट हैं जिनको हमने RPL असेसमेंट सेंटर्स डिक्लेयर किया है, हमारी असेसमेंट दें, इम्तिहान पास करें और अपने उस रेलेवेंट लेवल का सर्टिफिकेट हासिल करें। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के पंजाब भर के 201 VTIs में मुतअद्दिद मुनाफा बख्श इक़दामात के जरिए मार्केट डिमांड के मुताबिक हुनर और महारत को बढ़ाने के लिए तनकीदी सोच और तजिया पर मबनी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को लागू किया गया है। बेसिकली हमारी सोसाइटी में क्राइम की जो मेजर कॉजेज हैं उसमें से एक पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट भी है। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर ने पंजाब की बहुत सारी जेलों में अपने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए, बहुत सारे लोग इसकी वजह से दोबारा जुर्म कमिट करने से वो रुक गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छी कावश है पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल की। मेरा नाम अब्दुल सत्तार है, मैं जंग का रिहायशी हूँ। कुछ चांद देने के लिए जेल जाना पड़ा, मोटरसाइकिल मकैनिक का काम सीखा है वहाँ से। मैं आज जिस मकाम पे हूँ, जिस तरह रिज़्क़ कमा रहा हूँ, वो इस वोकेशनल इदारे की वजह से है। मेरा नाम खुर्रम शहजाद है। 2019 में मेरे ऊपर एक केस हो गया था। यहाँ पर आके फिर मैंने जो है वो वायरिंग का काम जो है वो सीखा है, प्रैक्टिकल सीखा, थ्योरी सीखी उसके अंदर जो होती है उसकी। UPS सेल कर रहे हैं, उसका काम भी कर रहे हैं, सोलर सिस्टम का काम कर रहे हैं और हाउस वायरिंग कर रहे हैं, कमर्शियल भी कर रहे हैं और डोमेस्टिक भी कर रहे हैं। जी मेरा नाम इमरान खान है जी। मुझे पता चला कि इधर मोटरसाइकिल मैकेनिक का कोर्स करवाया जा रहा है, उधर प्रैक्टिकल जो इधर पढ़ते थे वो जाके प्रैक्टिकल करते थे। इसी स्टेशन पे जो है वो एज ए सीनियर लैब असिस्टेंट मेरी जॉब होगी। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। वाइट कॉलर ट्रेड CAC बेसिकली क्लिनिकल असिस्टेंट क्लास ट्रेड, ये मैंने चॉइस किया। रेस्क्यू 112 के अंदर कुछ जॉब्स अनाउंस हुई, तो जब जैसे ही वो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो आई अचीव 92 out of 100। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल पाकिस्तान का ऐसा इदारा है जो पंजाब भर के मर्द और ख्वातीन को न सिर्फ मार्केट डिमांड के मुताबिक मयारी पेशा वराना और हुनर पर मबनी तरबियत फराहम करके रोजगार के असूल के लिए फाल किरदार अदा करता रहा है, बल्कि साथ ही साथ मुल्क के माली और इक्तसादी इस्तेहकाम को फरोग देने में भी कलीदी किरदार अदा कर रहा है।